है, भविष्य है, उसका भी दर्शन हमको देता है और अमृत के होने का भी दर्शन देता है. Now that's the best part about this ज्ञान, this is the best part about these sessions, best part about सत्संग, कि ये शीशा हमारे सामने आके रख देता है और मेरे को अपने ही जहर का मालूम पड़ता है और अपने ही अमृत का मालूम पड़ता है. This is what we bring on the table. We allow you to look into the mirror and see and sense without doubt the wish, the poison that is in your system and the amrit. As long as you didn't know they both are in your own system, they were coexisting. Do you understand where I'm coming from? वो वर्ड को एग्जिस्टिंग कैन नॉट हैपन इन एन अवेकेंड माइंड. कैन अंधकार एंड रोशनी को एग्जिस्ट? नॉट पॉसिबल, नॉट लॉजिकली, नॉट साइंटिफिकली, नॉट मिरेकुलसली, नॉट पॉसिबल. रोशनी के आते ही अंधकार का अस्तित्व, द फाउंडेशन ऑफ डार्कनेस जस्ट डिसअपीयर्स. इट जस्ट कैन नॉट को एग्जिस्ट. हाउ कैन पॉइजन एंड अमृत को एग्जिस्ट इन योर सिस्टम? बाय यू नोइंग अबाउट इट. जिस दिन आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके खाने में जहर मिलाया गया है, आपको कितनी भी भूख लग रही होगी, क्या आप वो खाना ग्रहण करोगे? I don't think so. However hungry we are, we will not do it, correct? Now having known that there is this thing in our system and it is poisonous, it is ruining my life, it is like a small boy who's sitting on a branch and cutting that same very branch for the requirement of his wood. It is so funny. क्यों? क्योंकि वो सीधा क्या होगा, अपने को डैमेज करता है, वो सीधा जमीन पे आके आराम से गिरेगा, उसी को चोट आएगी. ऐसे ही आप और मैं इस जहर को पालते नहीं है, पलने देते हैं हमारे सिस्टम में, एंड वी आर ओके विद इट. दैट इज नॉट द ओकेनेस दैट आई कम अप विद फॉर यू. दैट इज नॉट द ओकेनेस आई एम सेइंग. I am okay with what? I am okay with what is. And how will I be okay with what is if I have not experienced it? Let's not waste any time. When you are going to be okay with your amrit, the things outside will rise up to an occasion where they will all be okay. In your space of okayness. This is a second chapter of today's Vani that I want you guys to understand. Because ye foundation hai. जैसे कोई भी बिल्डिंग खड़ी कैसे होती है, फाउंडेशन के बगैर खड़ी नहीं हो सकती. लेकिन यू कैन इमेजिन अ बिल्डिंग इन योर हेड एंड इट विल स्टैंड रियली वेल, बट दैट बिल्डिंग कैन नॉट बी ऑफ एनी गुड टू यू. You cannot live in that building because it's a matter of only imagination. Lekin reality ke liye foundation strong hona zaruri hai. Jab tak aap apne andar ke zeher se okay rahenge, bahar ka zeher will continue surrounding you. बाहर का जहर आपको भी बोलेगा ओके रहो, मैं भी हूं तो तू भी है, क्योंकि अंदर का जहर बाहर के जहर को अट्रैक्ट करता है. प्लीज रन फॉर दिस एंड फिगर आउट इंटरनली हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस पॉइजन कम व्हाट मे. आपको क्या करना है, अमृत पान. This amrit is available for you in your system. You don't have to go looking for it. You don't have to purchase it. You don't have to pay a single penny for it. You are not dependent on your own destiny also for it to be available for you. Guess why? Because it is so much inside you already. Having known that you have the access to the best, having known that you have this amrit which is available inside you, why would you waste a minute, even a second, to gulp it in?
अभी भी हम उसी जहर के फाउंडेशन पे खड़ा होकर जीवन जिएंगे तो हमें कई जहर के घूंट ही पीने पड़ेंगे. वी विल बी ब्लेम्ड एंड क्रूसीफाइड फॉर द थिंग्स वी हैव नॉट डन. यू कैन कीप शाउटिंग एंड एक्सप्लेनिंग टू द वर्ल्ड, ओ दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, दिस इज नॉट व्हाट आई सेड, ओ नो दिस इज नॉट व्हाट आई हैड थॉट, ओ थिंग्स हैव टर्नड आउट टू बी जस्ट द ऑपोजिट, आई रियली डिडंट वांट इट टू बी दिस वे, ओ माय God, my life is such a mess. Oh no, what a waste. लेकिन जो सत्संग आता जाता है, जिसने ये वाणी सुनी है, हमारे सिस्टम में ये शब्द खत्म हो चुकी हैं. कौन से शब्द खत्म हो चुके हैं? वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है हमारे सिस्टम में. दूसरी चीज, एक अंदर में खाकरी है. देयर इज दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर सिस्टम दैट नाउ वी आर यूजिंग आवर टाइम राइट, नाउ वी आर वॉकिंग द राइट पाथ. देयर इज दिस ब्यूटिफुल फीलिंग इनसाइड अस एंड दैट फील्स सो गुड. नन ऑफ अस आर फीलिंग लो अबाउट अवरसेल्व्स, नन ऑफ अस आर फीलिंग चैलेंज्ड इंटरनली, नन ऑफ अस आर फीलिंग अ कंप्लीट वेस्ट. नो नो नो, टुडे आवर लाइव्स आर so much more beautiful, is so much more blissful, right? जितना जितना आपने अपने अंदर में झांक के देखा, जितना जितना आपने इस शीशे के आगे खड़े होकर अपने जहर को देखा और अपने अमृत को देखा, and you have chosen the path of अमृत, you will do whatever it takes and not allow the zeher to exist. Have we got this right now? If you have the zeher inside and you're okay with it, you have to be okay with all the zeher that you go through in your life. Please do not approach a God figure asking him or her for blessings to help you get rid of the external zeher, because it will coexist with you in this lifespan because you are okay with the zeher inside. Number one. Number two, what is this zeher? How would you identify it? After that is the third phase. How will I get rid of that? Now, what is this zeher? It's a very long list, but to cut it short, the feeling that you are. Now that's a very deep thing. That's a language of a self-realized soul. This is the purpose of our birth, to get rid of the zeher. Every human birth is like the beautiful morning of opportunity that gives us the opportunity to get rid of our own zeher. Aur ye zeher kya hai? I am. Sabse bada zeher. I am. Dusra, oh my God, all my incompetencies are known to me. That's one thing. And they seem so real to me. Second thing. Third thing. Things around are more real to me than the existence of my own self. Self being your reality. Self being the Atma. Self being the energy. Like I say always, deep, intense, present is the chabi, is the key for you to catch the existence of this beautiful energy, to catch this reality in the moment is only when you allow your mind, you train your mind to focus on the deep, intense now, and everything else will follow you. जैसे कि ट्रेन का मेन डिब्बा जब इंजन के साथ लग जाता है और बाकी सारे डिब्बे भी लग जाते हैं, तो खाली इंजन चालू हो जाता है, वो डब्बा आगे जाता है, ऑल द अदर बॉक्सेस, ऑल द अदर कंपार्टमेंट्स फॉलो सूट. सिमिलरली, ऑल यू नीड टू डू इज अलाउ योर माइंड टू फोकस डीपली. It goes here, again, bring it back. Goes there, again, bring it back. Again and again. Deep, intense now. The moment you train your mind day in and day out to doing that, the reality will auto-reveal. Why it will auto-reveal? Because the reality doesn't need you. You being the mind. When the mind is in deep, intense now, all the tendencies of the mind, good or bad, positive or negative, come to rest and the reality auto emerges.
and using the word emerges, but it was always there. The reality auto emerges, and so does your new life, which is now okay to the Amrit rather than the poison. Now, this is a continuous practice. However, your mind also has certain tendencies. Zipping out of the present is the norm. In our day-to-day life, what will prop up the habits of the mind? One of the most important habits of the mind is to worry. मन नुस नुस करता है, बात बात में नुस नुस करता है. अपनी बात तो छोड़ो, पर बंदों की भी वो नुस नुस करेगा, मदर नेचर की भी वो नुस नुस करेगा. सर्कमस्टेंशियली सर्कमस्टेंसेस को भी नेगेट करने की भी एक एप्टीट्यूड होती है, वो उसके अंदर नहीं है. वो सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी जाकर खोदा खादी करेगा. वेरी अनहेल्दी टेंडेंसीज ऑफ द माइंड, रियली वेरी अनप्रोडक्टिव. ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कल क्यों हुआ, आज क्यों नहीं हुआ, परसों होना था. Why are you indulging in the honi? I have said this a million times. The honi is all powerful. It doesn't really require you. It is all powerful. So the tendencies of the mind to let things be, let it go, let it happen. Let me just enjoy my being wherever I am. Let me not indulge into interference. Let me not indulge into judging. Okay? Most of us are not in that space. I agree. Which space have we found ourselves caught into? Ourselves. We have now started judging ourselves. We are not forgiving our own negative tendencies. We are fed up of certain things that we really don't want them to be in our system. We don't understand the cause of the problem that is happening. Humko problem ho rahi hai, par wo cause kya hai? Wo bhi mere andar hai. Remember, I spoke to you about this empty slot, which we have allowed it to remain. Anything which is empty will have rubbish, will attract rubbish into it very naturally. A ground which is not taken care of, usme se weeds grow hone lagenge. तो हमने अपने दिल और दिमाग के अंदर में हमको क्या करना है, एंटी स्पॉट नहीं रहने देना है. हमको आत्म अनुभव से, लाइट से उस जगह को भर देनी है. अदरवाइज आवर माइंड गोज एंड अगेन प्लॉप्स इटसेल्फ इनटू दैट एम्प्टी स्पेस एंड सडनली अ चैलेंजिंग सिचुएशन विल ट्रिगर अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ फियर, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सिक्योरिटी.